पेश है गुड मॉर्निंग जे एंड के। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के किस अज़किस निशस्तस मंज तोहे सारिनी वुछन वालिन हुंद इस्तक़बाल तो खैर मकदम वचि वंजि टीम गुड मॉर्निंग जे एंड के तरफ रुत रिच तो रहमच उमीद बारगाहि रब्बुल आलमीनस मंज युस बेनियाज युस बेऐब यही दुआ कि सानिन सारिनी मामलन पेट असिन रहम तो करम आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, युस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के तो डी डी कशीर हमेशा नुमाइंद रोजान पे तहजीब तमदन सकाफत तो जबान अमे अलावे तीन मोतबर इदार ये जम्मू कश्मीर मं लगातार तो मेहनत करान सी सकाफत तम सगना मूजूब सोन जबान तथ खदमत कर मूजूब तो मोतबर इदार सैनिस जम्मू कश्मीर मंजू जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी या जम्मू एंड कश्मीर आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट सह लगातार मेहनत करान तो पत्म कहो दहो पे इस मे मुशाहद तथ म गई कह इत इवेंट्स यम मुख्तलिफ कॉलेजन मज गई तो मुख्तलिफ कॉलेजन मज कर मुशारे मुनद तो ये थोड़ा आशनई गई इस नई पुज तम जबान सदबस सायरन सलाम सगैरह तो तमि अलव कहन पत्म दहन मज कह कल्चरल एकेडमी की जेर एहतमाम गई कह ड्रामा फेस्टिवल्स तो टैगोर हाल मुनद आए कर तो रात यानी रात उस वुहिम तो वुहिमे उस बोड़ इवेंट टैगोर हाल उस सू गो शशरंग की नाव म्यूजिकल इवेंट बोड़ इवेंट गो पेश ये वादी हिंद मशहूर मरूफ गुलोकारो पेश कुर पनिन गुलोकारी हिंद फन तमिक नुमाइंदगी कर तो सो सेठा कामयाब तो कामरान इवेंट रूद कशिर मौसीकी कारो मुख्तलिफ शेरन हुंद कलाम गो तो सारनी खुद कशिर हुंद शाहकार शशरंग कोरुक पेश वादी हिंद मशहूर मरूफ गुलोकार गुलजार अहमद गनई तो अब्दुल रशीद हाफिज सोबन तो साजीना तव पेश कर तकरीबो वुहो पंचहो साजंदर तमो कोर पेश साज कशरी साज नोट ओस नटिस सत रबाब तुम्बक नर या तमि अलव बाजे वगैरह कशुर साज कोरुक पेश वुहो पंचहो तो कह कॉलेज स्टूडेंटो तो कोरुक पेश शेखुल आलम सुंद कलाम रसूल मीरुन कलाम तो कुल हम पे अगर वो कामयाब इवेंट रूद इवेंट यह पेश कोरमुत म्यूजिक बरादरी ये या म्यूजिक क्लब या मौसीकी हुंद क्लब तमिक सदर वहीद जीलानी सोब तमो तो कोर पनुन कलाम पेश मुनीर अहमद मुनीर सोबन तो कोर कलाम पेश डॉक्टर शाजिया हमीद तमो कोर पेश अज पुज नव पु तमि नई पु मज कोर इरफान बिलाल महमीद जी तुन पेश कोरुक सॉन्ग कोरुक पेश अशफाक कावा सोबन तो कुल हम पे अगर वो अदबस तहजीबस जबान मौसूकी तो अत सगन रात तो यह कामयाब इवेंट हर वरी कल्चरल एकेडमी जेर एहतमाम ग
تو یوس یتیش میوزک برادری چھ یوس موسیقی ہنز یم گلوکار چھ تمو بور ات سٹھا لول تہ تت اس پورا حال امی گہما گہمی سیت برت اخ کامیاب ایونٹ رود یم خطر اس مبارک بادی چھ دیوان جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی تہ خصوصا یم صدر اس امی ایونٹک وحید جیلانی صوب یمو اخرس پیش کور تہ اس اخ شرف حاصل ات مز یہ کہ یمی پروگرام سنی ستی میزبان اظہر صوب اظہر حاجنی صوب یمو یہ پروگرام تت بڑ خوبصورتی سان پیش کور تو خیر ناظرین اس پکنو اس پروگرام چھ برون تو چھ معلوم کہ یت پروگرام اس من چھ ز میزبان آسان آز تہندس خدمت اس من بنیاز بٹ تم ست اریبا السلام علیکم تشو ٹھیک اریبا کیسے ہیں بالکل اللہ کا کر السلام علیکم ناظرین آداب آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال گڈ مارننگ جے این کے میں یہی امید کہ آپ جہاں بھی ایک خیر و عافیت سے ہیں آج آپ سے پھر ملاقات اور آج پھر ایک نیا شمارہ ایک پروگرام فل آف انفارمیشن انٹرٹینمنٹ لے کے ہم آئے ہیں پہلے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ تک ضروری اپڈیٹس پہنچائے تو پہلے انہی سے شروع کرتے آپ تک ضروری اپڈیٹس پہنچاتے ہیں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے موسم کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں اور وہیں جموں کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو آج نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی اور بڑی دونوں گاڑی کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے ایس ایس جی اور مغل روڈ پہ بھی دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن پھر بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ جب بھی سفر پہ نکلے ایک بار جو ہے کنٹرول روم کے نمبرز دیے گئے ہیں ان پہ رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ کو کوئی سفر میں مشکل نہ ہو نیاز بھائی آپ ابھی بات کر رہے تھے پروگرام کی جو جی بالکل یہ پروگرامز کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی کلچر جو ہے اس کو اسپریڈ کریں اپنے ایتھکس ویلیوز کو اسپریڈ کریں ینگ جنریشن کو اولڈ جنریشن کو ان میں یہ انتوسیازم یہ وزڈم یہ پیشن جو ہے یہ برقرار رکھے بے شک یہ برج بنا بالکل برج بھی یہ تو ونو نا ونی ذمہ داری اس آسان کہ اس بات نو موسم تو شو موسم وات نو تم علاوہ چھ ناظرین بیاکھ اکھ ذمہ داری آسان مے دشن لری چھ سماواری چھ اکثر گرہ ہیکن کھسی تہ دیمیان چھ گیسٹ آسان ووتمت کہ تمس ہیکن پلو تہ خراب گژھت اس لیے ٹھانڈ تہ پیوان تھاؤن ات سی یہ کت ونو تہ سٹھا خوبصورت زی یہ اک برج پان ون برج بنان مطلب یہ اس سانو اسلافو ونمت چھ پت گیومت چھ پت پیش چھ کورمت تہ از ازی سو پوی بوزن تم سی روز اک کنیکٹ کنیکشن یہ کنیکٹ کیا چھس بہ ون او موجب ناظرین اکثر چھ اگر اس کنی محفل مز بہمو نا اس چھ اکثر وچھان کہ اس چھ موازنہ کران پت می وقتو تو از کے وقت موازنہ چھ کران کمپیرزن کران تم سی کیا چھ گسن اک تقابل اک فیس آف چھ گسن کریٹ پان ون تہ زیوٹ چھن کنس سن مانن تہ کنس سن زیوٹ سن مانن تہ اک گیپ یس کریٹ گمس چھ یس نہ ٹھیک گیپ چھ کہین کیاز کہ یہ چھ ضروری کہ اکس اصل سوسائٹی خاطر یہ ضروری کہ یم زیٹھ چھ تہند مشور بوزو کیاز کہ تمن چھ ایکسپیرینس آسان مگر ات چھ ضروری کہ یس جدت آمس چھ سماجس مز اگر کان خرافات چھ اگر کان تم رسم چھ یم نہ ٹھیک رسم چھ کہین یم نہ احسن رسم چھ کہین تم ہیکو کس یلہ ترائی زیچھن تہ چھ تتیت پہل قدمی کرن کہ نہ اگر نوجوان طبقہ کان رز کتھ چھ ونان یس نہ اخلاقی طور غلط چھ کہین سہ ہیکو اس ایکسیپٹ کرتھ صحیح بات ہے اور ایز اے پرسن فرام ینگ جنریشن کیونکہ ہم لوگ بھی اسی جنریشن کے کبھی کبھی آپ کو جو ہے ایک بڑے کی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اور کیونکہ ان کے پاس وہ وزڈم وہ ہے وہ ایکسپیرینس جو آپ کو آج کے دور میں بھی ضرورت ہے اور جو آج کی انوویشنز ہے یہ ٹیکنالوجی ہے ایڈوانسمنٹ ہے لائف کی انہانسمنٹ ہے وہ ہاں وہ اولڈ جنریشن سوٹ اصل اننے خاطر ضرورت یتھے اس کمپیرزن چھنا کران مگر اکھ چیز یس مے سانن زٹھن ہن سٹھا خوش چھ لگان تہ سٹھا دل فریب چھ باسان سہ یہ کہ تم چھ زبردست خود اعتماد سہ گو اتھ کن کہ تہ تہ اس ناظرین ابزرو کورمت یتھے تہ ڈرائیو چھ کران یتھے تہ گاڑی چھ چلاوان اگر تہ پنہ گریک کان زیٹھ تتھ مز بہنیون اگر بریک لگہ یا گاڑ تیز پک تم چھ بسم اللہ پران یا اللہ تعالی سن ناو یا آیت الکرسی پر تمن چھ خدا اعتمادی زبردست تہ تت برعکس اگر نوجوان طبقہ وچھو یہ چھ تھوڑا خود اعتماد پہم خدا اعتماد تہ خدا اعتمادی یم چھ خود اعتمادی تہ خدا اعتمادی یم چھ ز متضاد کیریکٹرز چھا اکہ طرف چھ اعتماد تس ذاتس پیٹھ یس بے نیاز چھ یس بے ایب چھ یس کار ساز چھ یس مالک کل چھ تہ بیٚیہِ طرفہٕ چھ اعتماد تتھ شخصیتس پیٹھ یس عٲب دار چھ تہ یس محتاج چھ یس عٲجز چھ وۄنۍ کٔرتو تُہی فٲصلہٕ ناظرین أسۍ بیٚہمو خدا اعتماد کِنہٕ أسۍ بنو خود اعتماد یہِ کُس فٲیدٕ تہٕ کُس سودا چھُ فٲیدُک أسۍ کرو تٔتھۍ
سوداس تھاپ چھنا صحیح خیر یہ مس کی کت یہ مس تہ تام صبح صبح واتناون چھ تہ موسم خال تہ بون اس تہ ون اس تہ انتظار کہ از کیا ڈل چھ اس پیش کرن تہندس خدمتس مز منیر احمد میر صوب نے ہائٹ بوزو اس خوبصورت کلام ولی وچھو یہ کلام تہ بوزو یہ کلام وچھان روزو پروگرام گڈ مارننگ چھ شری پان سے زرما دور
शहर चूं मरमा कर क्या तस्वीरा फसे रसे यूनम करा मरमा कर क्या तस्वीरा फसे रसे यूनम करा रोजे कुस आ संसार से रस न्यूनं करा खबर छे पागजात से रस न्यून करा तोर खबर छे पागजात से रस न्यून करा रोज निकुस आ संसार से रस न्यूनम करा रस न्यूनम करा रस न्यूनम करा नाजिन तुम वुशान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के बहुत मुनीर अहमद मीर सब पेश करान उम्मीद कि तुम महजूज गम वोत वक्त कि मेहमान सतना मुलाकात उस असल शूब तो असल लूब अस ये प्रोग्रामस मजान ये तुम इश्तियाकस वसान सह गो कि अजिश मेहमान शख्सियत कम अजिश मेहमान शख्सियत मे शर्फ जी अक तम जबरवन बाल दामन पे दोनवे बसान बुस निशात रोजान तो अजिक मेहमान शख्सियत हरवन रोजान अस तम मेहमान शख्सियत आज तम हम जहत शख्सियत पेश किन तम मुदरसिस एसोसिएट प्रोफेसर मगर तमि मुख्तलिफ शौक रखान लेखन शौक थवान लेखान तमि काउंसलिंग के हवाले सेठा काम कर्म कॉलेजन मज या लाइफ स्किल्स तम डेवलप करन कित स्टूडेंटन मज कुल हम पटे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हम जहत शख्सियत अस तशरीफ फरमा अस सी खुशबख्ती हनीफा अख्तर एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी डिग्री कॉलेज विश्वभारती रहनवारी अस्सलामु अलैकुम तुहुंद सेठा सेठा खैर मकदम तो इस्तक़बाल सैनिस यथ प्रोग्रामस मज कि रकमुल फुर्सत आसने बावजूद क्योंकि मुदरिसन आज ज्यादा पहमती जिम्मेवारी आसान कॉलेज टाइमिंग से टाइट आसान वगैरह तथ मज अस दिस तुम दावत तुम करू सो कबूल तमें खतर सेठा सेठा शुक्र गुजार आपने मुझे यहाँ पे बुलाया मैं यहाँ हूँ बहुत अच्छा लग रहा है ये रात ये मेरे लिए ऑनर है ये रात तो ऐसी कत कर कि तुम वो हरवन रोजान तो मे गई प्यादा खुशी इस हम इंसान इंसान आसान तो अत मशनई बढ़ान ज्यादा पहम क्योंकि अस गिक लटि आज मुलाकात गमस तो यथ मुलाकात करो यमि आई शुरुआत कि जानो तो नाजरीन तानन हनीफा अख्तर यहुद लसन बसन कमि आई रूद पर्न लेखन क्या हिसाबन तलीम व तरबियत तसीस क्या मामल रूदमुत तो पुन शुरुआत कित करो तुम तो कित गुजारा बेहतर बस जन तुम वो वन वैसे मे जिंदगी वारियन जायन गुजारमस कशीर मज मे अकि जाए मे टिकाव खैर बचपन गुजारा है हब्बा कदल एरिया में वहां ही मैं मतलब पले बड़े वही हैं अलग माहौल उस बिल्कुल सठा अलग माहौल उस और हमारे घर का ये था कि न्यूक्लियर फैमिली थी अच्छा और मेरे पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर थे तो इसलिए वो
कुछ अलग सा समा था, कुछ अलग सी आजादी थी, कुछ अलग सी परवरिश थी। ठीक। थॉट प्रोसेस उनका क्या था, प्रोग्रेसिव थे। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस माहौल में पली बड़ी हूँ। ठीक। तो न उसको नुक डर आसान, मतलब नजर आसान पेरेंट ये इस नीति मनान कभी उनकी जुबान पे नहीं आया कि लगी बलाई वार 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 सही, लेकिन उनकी नजर उनकी विजिलेंस क्या थी, रूहानी तासीर था उनमें। जो मैं इतनी मतलब कोशिश करती हूँ कि बन जान पेरेंट हो कर ही कर, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। पेरेंटिंग कर हो वैसे सीरियसली बीच में ब्याह पन्नस खास कर पन्नस फादर सुन ज्यादा ये उसमें आज के नॉलेज रिगार्डिंग रिलीजन या पॉलिटिक्स या की या अदब या वगैरह। बिल्कुल अदब, बिल्कुल कल्चर पन्न मूलन हिज जो जानकारी में सो सिर्फ तटी पेट क्या उस आसा ये लिए कहाँ इवेंट उस आसा कहाँ पॉलिटिकल कहाँ रिलीजियस कहाँ फेस्टिवल सैनिस गरस में उस आसा डिबेट डिबेट इस्तेम करान उनके जैसे फ्रेंड्स आते थे जैसे कुछ मेरे साथ नहीं बच्चों के साथ लेकिन उसी से सब बोझा बच्चा ना सबकॉन्शियस माइंड लेता है लेयर बाय लेयर ओप सोप उस गसन ओप सोप यस ने बुनियों तान चुचाला चुचाला बिल्कुल वो मुझे इतना इम्प्रेस कर रहा है ना तब नहीं करता था अब तो ज्यादा ही मैं कहीं वो क्या था क्या ब्यूटी अहमियत पत बास नहीं इंसान प्रैक्टिकल लाइफ सही बात है क्या ब्यूटी थी मतलब हफ्तों तक किसी एक इवेंट पे बातें चल रही थी बस ऐसा मिसाल पेट रात हो ख्वाजी दिगर आठ पेट गैसा तू हम गए बराबर सही सही पकड़ा मतलब रात हो ख्वाजी दिगर ये शेयर कर सकते हैं मैं याद नहीं थी मैं इस ख्वाजी दिगर सुबह इस नेरान लगभग 3:30 हो ठीक ऐसे इस टाइम साथ में उन्होंने मिच और योर वार या कोर मत टाइम साथ इस बरबर शाह रोजा ठीक बरबर शाह से पैदल वो हम ही मेरी सिस्टर थी और मैं और अब्बा जान तो हम जाते थे खोज दिगर इस तुम ताइत इस वाता इस तकरीबन इस वाता इस फजर इस पर बात ताइत पर मतलब ये उनका अंदर था वो पूरा ना सो रचित बसित हो सा पन कल्चर पन वैल्यूज पन मजहब और वो किस खूबसूरती से ट्रांसफर करते थे तात ना उस बासा का दबाव ना उस बासा ओ वंच में पार वंच में वंच में बहुत चल पाच में ऐसा फेस्टिव माहौल हो सा फेस्टिव माहौल बहुत ही जबरदस्त और ख्याल होता था कि क्या चाहिए बच्चे को मतलब पॉजिटिविटी उसमें आसान छ लाइफ तो लाइफ है ये दिखाती है उतार चढ़ाव नहीं मानती है ठीक है लेकिन मुझे भी मैं भी एक इंसान हूँ मुझे भी जिंदगी ने बहुत उतार चढ़ाव बहुत जबरदस्त लेकिन ये वही है जो मुझे वहां मिला है वो पॉजिटिविटी वो तरबियत जो मुझे आज तक ऐसे इस मतलब ऐसे खड़ा रखती है कि मुझे स्पर्ट जिंदगी बड़ फाख्र शांत बड़ इंसान गुजारा तो सल्यूट टू देम कशिर को इतना कर थोत तेरी जिंदगी कर थोत सही बात है सही पकड़ा आपने कर थोत जह छन में ये कितने भी भाव आए गर्दन छन जहन में बजा फरमो होता तो ये छ में और लक्षार वारिया असल मधुर म्यूट रोद मु बे उस मन शोक थे परनुक ये उस मन वारिया परनामनुक सुत सुत मजहबी तालीम थी ये थी होती आराम सान कोई प्रेशर नहीं कोई दबाव नहीं कुछ नहीं जिस पाए वस्त का संपत्ति इंसान है बिल्कुल सही तो उसके बाद उस जमाने में ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी प्रोफेशंस के बारे में बिल्कुल ठीक है ना इतना एक्सपोजर हालांकि आज जो यूथ एक्सपोजर तो दिखने भी है तो तिमन छुन खाते हुए वरना क्या क्या करते जो भी लिमिटेड उनको पता था वो सब होता था तो पातछ में ये था कि एम ए रोड जो है वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की है और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने किया है ठीक पोस्ट ग्रेजुएशन और बाकी चीजें उसके बाद मैं उस पन ख्याल मैं उस जहनस मन की वो बन टीचर ठीक पता नहीं क्या था बच्चे को हालांकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो टीचर ही खेलते हैं क्योंकि सोचा सा इन्फ्लुएंस करा सो टीचर शख्सियत है ना बहुत कुछ लेता है बच्चा उससे लेकिन एज प्रोफेशन कभी नहीं ये मेरे जहन में था कि वो बन टीचर
मैं उस जैसे मैं मतलब आगे बढ़ी कॉलेज डेज कॉलेज वो वगैरह, मरहल गई पढ़ाने। हाँ बिल्कुल, इवन बाकी प्रोफेशन का भी मुझे उतना नहीं था, लेकिन मुझे सिविल सर्विस का बड़ा शौक था। अच्छा। हाँ तो इसी दौरान मैं वो माइंड अप बना रही थी क्या करना क्या है करना, कैसे कर रहा है कि क्या शादी क्या हो गई, अचानक से हो गई, मेरी बारी ही नहीं थी, हो गई शादी। तो शादी की वजह से फिर बहुत सारी चीजें होती हैं घरों में, ठीक है। चेंज इतना हो गया कि मुझे वो एक तरह से हाइबरनेशन में जाना पड़ा 12 साल। वो ये मैंने कहा ईश स्वाई तरबियत इनसे खड़ा रोज बराबर मैं प्यो ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो कम हो जाते हैं, समवन यू नो गेट्स लॉस्ट इन ऑल दिस सिचुएशन, जिंदगी हिंदी नशीब फराजन मुझ पत अच्छी हुआ इंसान। हाँ जी, तो ये हो मैं मतलब जिंदगी ने ये दिखाया कि मैं जब निकली उस हाइबरनेशन से और मेरी अल्लाह ने मेरी इसमें झोली में डाल दी टीचिंग ही, तो मैं टीचिंग से स्टार्ट किया, जो मिला वो बहुत शुक्र अल्लाह का। तो करते करते मैंने कॉलेज में टीचिंग शुरू की, बॉटनी में पढ़ाती थी, लेकिन मेरा ये था कि मेरे अंदर ही वो कशिश थी बच्चों के साथ, ये नहीं कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये मैं लेती हूँ और पढ़ती हूँ वो करती हूँ, वो तो अलग था, उसका पैटर्न भी अलग होता अलग था मेरा माशाल्लाह, लेकिन मैं पहले इंटरेक्ट करती थी बच्चों के साथ, मैं उस खुश गसाई मनवान अच्छा क्या करूँ सुबह कार छो वतान क्या छु तुहद रुटी, ये तो जाता नहीं है अंदर, तो क्या छो करा किस भाई छो करा, मेरा ये था कि कहाँ इनकी अच्छी आदतें हैं, मैं उनको सेलिब्रेट करूँ, मैं उनको शाबाशी दूँ, और कहाँ ये करते हैं उनको प्यार से अच्छे से समझाऊं कि बेटा इसको यहाँ पे ऐसे करना, तो ये मेरा अच्छा था मतलब चल रहा था ये अच्छा, वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे बच्चे माशाल्लाह, बच्चे बहुत अच्छे हैं आजकल के, ये इशू स्टेटमेंट गलत के मुझे इसमें शनासित बराबरी कर में तात्पर्य वो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो पता वोच में यमजन यम स्टूडेंट ना वारिया चैलेंजेस ये मनते आसा, जब हम बच्चे थे हमें क्या था, हमें एक था वो तो ट्रांजिशन होता ही है, वो तो साइकोलॉजिकल है, केमिकल चेंजेस आती हैं जब टीन एज बचपन ट्रांजिट होता है इनटू एडल्टहुड, जज्बात केमिकल चेंजेस सब कुछ, हॉर्मोनल चेंज तो जबरदस्त होती है, उसका इम्पैक्ट तो बहुत, ये अंदर इंसान ही जानता है, कभी उसको लगता है मैं क्या हूँ, और अपनी वो पहचान की कश्मकश में होता है मैं क्या छूँ, कोत गत लक्षार आसान बुझमुत बिफोर टीन एज कि हाँ ये मेरा टीचर है कितना अच्छा है, ये मेरी माँ है कितनी अच्छी है, ये मेरे पापा है कितने वो दादू, मैं आप तो मेरी जान है, इस तरह से उसने बनाया होता है। फिर जब उस स्टेज से निकलता है फिर वो इसमें पड़ता है कि मैं कौन हूँ अब, असली हकीकत किसके साथ मैं रिलेट करूँ क्या बनूँ, इसी का यहाँ से उसका केमिकल चेंजेस भी होती है कि नहीं, लड़कों में लड़कियों में दोनों में ये तो होता ही है, वो उसके साथ भी फाइट कर रहा होता है, ये नाइंसाफी होगी अगर हम वो नहीं ये नहीं कि हमने किया तो आप क्यों नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता है, He has to go through it. He is going through it. Just acknowledge. ठीक है, उसको स्पेस देना है ना, तो उसका वो दो और आजकल प्लस वो तो चलता था सदियों से, वो फेज तो वो ट्रांजिशन तो चलता है, लेकिन आजकल जो है इट्स अ ह्यूज ह्यूज ट्रिमेंडस टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी च उरूज है कि नहीं, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग यहाँ से क्या है दूसरी साइड से ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमन कनेक्शंस गैप आ रही है उनमें, ये लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप देखिए बच्चा सुबह निकलता है, जैसे मेरे हम हारवन में रहते थे तो मेरे बच्चे सुबह 6:40 पे भी निकलते थे, सोचिए 6:40 पे बच्चा निकलता है बिल्कुल, ठीक है कैसे आके मूद मूद के न पानी पिया न कुछ खाया, अरे इच्छुन क्या माना नहीं क्यों क्या माइन बिचोर निंद्रे होते इच्छु इच्छु बिचोर सोचा माँ में स्कूल का सुन ये तो है, तो वहाँ पे करता है अब होता है एडजस्ट उसमें बच्चों के साथ अच्छा लगता है उसको टीचर का सुनना चुकड़ा में पाछ और युवा थका वो भी बच्चा वो भी इंसान है जान है वो छोटी सी माँ से थक हार के आ जाता है मंच दबा मख्या मह के
वो कर ये कर मन कर, मतलब बहुत दबाव। यहाँ से टेक्नोलॉजी जो है, सोशल मीडिया, मोबाइल, छस रोजा ये थी क्रेविंग, छस रोजा क्या अच्छा करेंगे, जब हमें होगी तो उसको नहीं होगी। क्या चल रहा है, बच्चे ज्यादा ऑब्जर्वेशन एक्सप्लोर कर रहा है, ये नेचुरली क्यूरियस क्यूरियस आसा, उसी से तो ग्रोथ होती है, क्यूरियोसिटी ब्रिंग्स नेचर है। कि आप देखिए, छोटा बेबी, जब हम भी बेबी थे तो हम कोनों में देखते थे, चीज को उथल पुथल करके देखते थे, तोड़ मरोड़ के, क्यों, ये एक्सप्लोरेशन है, देखता है ये है क्या। जब उसको पता चलता है जिस चीज को उसने देखा होता है, फिर उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता चलेगी क्या है। तो इस तरह से ये चला। और हमारी पेरेंटिंग भी, मुझे पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा हमें भी चेंज करना है, करना खुद को, है ना, हमें रोल मॉडल बनना है, हमें भाषण नहीं देने हैं। भाषण के लिए आजकल यूट्यूब वगैरह हर जगह भाषण है। इस पर हम आएंगे जी जी, क्योंकि एक हसास मौजू अब आपने बहुत इंटरेस्टिंगली छेड़ा कि गौड़ करो तो पानी बचपन जिक्र। और सबसे अच्छी बात ये कि आपके चेहरे से और आपकी बातों से पॉजिटिविटी, मुस्बत अंदाज जिस तुम छ, वो बहुत खूबसूरत और बहुत दिलचस्प। अत कथ पे ये रोज हिफाजत मज तुज कत तुरी इजाजत गोड़, क्योंकि ये उस्ताद स्टूडियोस में गोड़ तुम इजाजत जरूरी कि अच्छा कमर्शियल ब्रेक अखबार सुर्खी तुम इजाजत नमो ये तो नाजरीन तु रूज व प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के गोड़ ये वक्फ तम पत इंशाल्लाह रहमान अखबार सुर्खी तो मेहमान इस दिलचस्प मौजूस पे कत रोज जे। मुल्क और मुल्क से बाहर बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बे औलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खसूसी रियायती कैंप मुनक़द किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स, इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। गुड मॉर्निंग जैन के, और अभी वक्त तो चला आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। LG कॉल्स फॉर टैपिंग स्कॉट्स नॉलेज रिसर्च कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट्स अंडर HADP इनॉग्रेट्स वेरियस फैसिलिटीज ऑन 25th फाउंडेशन डे ऑफ स्कॉट्स जम्मू। इसी अखबार से एक और सुर्खी, J&K इमर्जिंग ए सनराइज रीजन फॉर इन्वेस्टमेंट्स एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस एडवाइजर बटनागर। जी नाजीन, मेस अथस मे उर्दू अखबार उस कत व कान ख्वाज दिगरिश अम हवाल खबर ये पे शाय ग लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। ख्वाज दिगर के मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज असर अदा की। एक और खबर इसी अखबार से, डिविजनल कमिश्नर ने ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के इंतजाम का जायजा लिया। मसाजिद और आस्थानों में जायरीन के लिए तमाम तर सहूलियत बहम रखने की अफसरान को हिदायत दी गई। जी जी नाजीन, एक और अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। CS फॉर 100% सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स बाय अक्टूबर, आस्क फॉर एम्प्लॉइंग साइंटिफिक टेक्निक्स टू सेव वाटर बॉडीज फ्रॉम पोल्यूशन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, फेक डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स इनसाइड लेबर रूम फॉर 3 डेज इन LD हॉस्पिटल, शॉक, दिस इज अ शॉकर। मतलब वन बड़े हस्पताल मज फेक डॉक्टर तो पम क्वैक्स आसन महलन वहलन मज तम सेठा हिस कर। नाजीन, रामबन के आसपास जंगली जानवरों के खौफ पर 16 स्कूल बंद, एक औरत और मर्द पर रीच के हमले से पैदा शुदा सूरत हाल संगीन। एक और खबर इसी अखबार में, पटन में 22 बरस के नौजवान को रस्सी से लटकते हुए
पाया गया। जी जी नाजरीन, मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए, एलजी पासेज वेमेंस रिजर्वेशन बिल, 454 मेंबर्स वोट इन फेवर। इसी अखबार से एक और सुर्खी, एग्रीकल्चर सेक्टर क्वाइट वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। एलजी जी, मेरे पास भी आखिरी अखबार है, ये एक तस्वीर यहाँ छपी है, लिखते हैं नीचे डल झील की तस्वीर, हालत कुछ अच्छी नहीं है। नीचे लिखा हुआ, वीड्स प्रोलिफरेट एंड एंगल ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ द डल लेक अफेक्टिंग इट इज एस्थेटिक ब्यूटी। यही हमारी गुजारिश है LCMA की अथॉरिटी से कि इसका खासा ख्याल रखा जाए, ये असासा है जिस पर बहुत सी चीज़ें और हमारी शान है, आन है ये डल, तो इसकी हिफाजत की जाए। जी जी मैम, आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान है, हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ हनीफा अख्तर जी है जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है। तो मैम फरमा रही थी आज की जेनरेशन और पेरेंटिंग के बारे में, आप उस बारे में जारी रखिए अपना कलाम। जी शुक्रिया। यही मैं कह रही थी कि हमें भी कुछ चीज़ें जो है जो बदलनी है, सोचनी है। जैसे बुदिम तो एग्जांपल, ये जो हर घर में कहाँ मेरे घर में छोटी छोटी हम अनइंटेंशनली या हमें वो इनग्रेन है जो भी है, पेरेंट्स बिहत यू टी वी वन यू खेवान पॉपकॉर्न या कुछ भी फोन देख रहा है, बड़ा मैच बड़े अंदाज से देख, इसको कॉल आती है दबा जैसे हुई कचुक तो मुझे हाँ बात चुस साल चुस गोमुत, तो बच्चा वहाँ अपनी उसमें वो खेल रहा है, वो भी अपनी किसी प्रोजेक्ट पे खेल रहा है अपना उसका है, लेकिन वो उसका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये बना रहा, अच्छा ये कर रहे हैं, ये प्लानिंग होती है, एक्चुअल में ऐसे चलना है जिंदगी, तो यही तो है। फिर हम बताते हैं ये छुन योर गलत है, गलत है, आप उसको दोष नहीं दे सकते, हमें भी बदलने, हमें उनको समझने की कोशिश। देखिए बोलते आख चीज यूजन ये वरी रूद या पति में आख वरी रूद, अचानक से न्यूज इवान हार्ट अटैक, अचानक से न्यूज इवान बच्ची ने छलांग मारी, या अभी न्यूज पड़ी पटन में एक लाश 22 साल का नौजवान। तो पिछला तो मैं ये ज्यादातर इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन ऐसी चीजें तो जाती है ना, शराब और बच्चे तो खुदकुशी क्या है मतलब क्या बोजन वोल कह भरोस जनरेट अमुत कर पान गि है मे इत दल तमिस कस फ्रेट तमिस कस खोसनावा कमिसा कह एक्स्ट्रा प्रेशर कम्युनिकेशन गैप समझने की कोशिश, वरना हम कहाँ जाएंगे क्या होगा, वरना अशु नमित इमन बच्चन हुंद बोजुन ज्यादा लाड प्यार न। मैंने ये भी देखा है कशिर से, मतलब एक्स्ट्रा मुझे तब मैं देख नहीं पाती हूँ, जब बच्चे होते हैं चले बस स्टॉप है उनको छोड़ने जाती है माँ, फिर क्या होता है फिर उसका बैग खुद उठाती है, फिर यहाँ से बोतल उठा कहा ये नहीं करना है, कहाँ ये करना है, उससे कहाँ वो बच्चा सीखेगा मुझे क्या करना है, उसको करने देना है ठीक है ना, तमिस पानी शख्सियत से तमिस दिन उभार बनाने ये तो तमिस हेल्प की जरूरत से बिल्कुल। मैंने कहा ना पिछले हमारे पेरेंट्स जो थे तमो ब्रोट डांटा मगर तिमन नजर आसान पाने उस इंसान दपन ना ये बाउंड्री इसके आगे नहीं जाना, ये नहीं कर रहा है वो नहीं करना है। पेरेंटिंग हिज कथ करू ना मे अक्सर ख्याल युथ सोन दौर उस सैन फादर अकिस तिथिस माहौल मन रोजान ये फादर डांट डपट उस करान मगर पेतर उस बचावान बुढ़ीबब उस बचावान पोफ उस निवान के केंसर वेंसर रखने, मगर आजकल से पेरेंटल जरा मुश्किल, आज यूजुअली न्यूक्लियर फैमिली मन रोजान दोनवे बस काम करान अमिस पान पे अमिस रोप तुन अमिस पान पे पैसिफाई करूँ, आज से पेरेंटल क्या मुश्किल तमें नश कि आज कल्चर ऑफकोर्स मुश्किल यूजन ये टेक्नोलॉजी हूँ दौर यह बच्चस खुद तठा चलेंज यह पेरेंटन खह चलेंज मगर कह आदत जन पत लाइफ यह मैनेज कर ठीक है, वो एक स्किल है,
वो हमें क्योंकि यम नव चैलेंज यमन खातर कित कन हेको कोप अप करित पेवान समझुन उस्ताद बहसित उस्ताद अगर तुह नश जानो चूंकि यम प्रोन वक्त मोल मोज उस तूत पुरमुत लोखमुत कह तम पाई तम आई कहें ये उस्ताद वनान बचे सो तम आई कर सब डिसप्लिन बड़े अमस बोलान उस्तादस खातर कम चैलेंज तुम आज वन कॉलेजन मे तुम पान अख मुदरिस एसोसिएट प्रोफेसर तुम कम चैलेंजेस बसान यह कम चीज उस्तादस अपडेट करें पानस बिल्कुल वारिया चीज पजन अपडेट करें गोडनेथी यो जन सो गैप ओस आसान आज छ सो गैप काम करें अच्छा क्योंकि ऑलरेडी छ एमिस बचस मे वोन तई गोड दे ट्रांजिशनल चेंजेस छस बचस टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस बचस एकेडमिक चैलेंज आज छ मोल मो यु शुन दबाम बच गो सुन ब्रोंड सॉरी टू से ये है जेन्युइन है लेकिन उसके दिमाग में ये ज्यादा है मेन बेची कोर इत मे कलीग तम सुन बच गो इत उस पेरेंट के भी दिमाग में वो है और वो इस पे थोपता है अक्सर ऐसा होता है हर जगह नहीं अक्सर ऐसा होता है ऐसा नहीं करना है बल्कि क्या सुन हर कह इंसान हर कह बच हर कह बोर्ड यह यूनिक इंशाल्लाह ताला पन्ने पन्ने क्वालिटी तो उसी को उसको क्वालिटीज को उजागर कर रही है पेरेंट पेरेंट के लिए भी है और टीचर के लिए भी है उसको देखना कि हर एक को क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते नहीं उसको उस लेवल पे आना है उसको वो डिस्टेंस जो है क्रिएट करना है आजकल ये जो है कुछ सालों से नया है ग्रुप लर्निंग एनकरेज करें अम स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस अकेला बेचारा कुछ हड़बड़ी में कहीं अटक जाता है या कुछ ज्यादा कोई बोलता है तो दूसरे सप्रेस हो जाते हैं ग्रुप में जो है वो अच्छा रहता है ग्रुपस मज पर्नावन अच्छा पन कॉलेज टाइम उस या चूंकि तुम्हारी कथों तल बिल्कुल ये साफ गया कि बड़ खूबसूरत उस तुम कम स्टडीज अलव तम एक्टिविटीजन मे कॉलेजन मजान या तम पुन एक्टिविटीज ये ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप गिस स्टूडेंट्स मतलब सान टाइम उस गई आज अगर ब्रेक ना कॉलेजन स्कूलन मज आज मोबाइल वर कुन ग बहुत कम है जिनमें वो पैशन है पैशन अंदर सह दपान ना बह गंद ये गेम बह गंद बह वो तो इत कॉलेज दौरान ये पान टीचर ऐसा पत इंटरेक्शन कर पत आई तथा दौरान एनसीसी मतलब हालांकि हमारे कॉलेज में बहुत पहले से एनसीसी रहा है चूंकि टर्मोइल था वो सब खत्म हुआ था तो एक बार फिर आए तो लोगों के जहन में वो यूनिफॉर्म का किस्सा था तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे अब आए लेकिन ये वोन मेरा माइंड का बिलीव मी फोकस यही था कि अच्छा तो ये सब स्टूडेंट्स को मिलने वाला है ऐसे ही वो डेवलप हो जाएगी तो एंड आई वॉलंटियर माई सेल्फ तो मुझे याद है मुझे हमारे प्रिंसिपल साहब थे प्रोफेसर शबीर साहब उन्होंने बोला अच्छा सा नंबरदार मतलब उनको भी लगा कि मत जाओ क्या है वहाँ मैंने कहा सर नहीं उन्होंने बोला वहाँ हवालदार है मैंने कहा सर हम भी नंबरदार है मुझे ये याद है तो फिर मैं जब वहाँ गई ऐसे ही एज टीचर मैं वहाँ गई बच्चों के साथ वहाँ एनआईसी था जैकलाई रंगरेट में जी तो वहाँ मैंने देखा रियल जो थे कुछ बच्चे बहुत कम बच्चे पैशन था वो जानते थे देवर कोई अवेयर कि हम यहाँ क्यों हैं और क्या करना क्या है और किस लिए वो डिसिप्लिन वो लाइफ जीन नहीं इससे हमें लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या असरात क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी प्रोफेशन लाइफ या जनरल लाइफ में मगर अक्सर बच्चन पति मज दा यह क्या मस्ती खासकर नबरम बाजब खासकर पता यह मस्ती खैर मैं जब गई जो अच्छे बच्चे थे या तकरीबन वहाँ 1500 बच्चे थे ऑल ओवर इंडिया सब इतने प्यासे क्यूरियस कि हमें बढ़ना है हमें कोई सिखाए सारे क्वेश्चन उस मानो पजर कहाँ अथरो रटन कहाँ हावन वो मुझे इतनी खुशी हुई डिबेट सेमिनार ड्रिल्स मुख्तलिफ जहत मुख्तलिफ डायमेंशन हर एक चीज ए टू जेड तो वहां मैं इतनी इंप्रेस हुई और वो एनसीसी ऑफिसर्स भी इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने वहीं पे मुझे शॉर्ट लिस्ट किया पीआरसीएन कमीशन के लिए तो मैं फिर मैंने ऑप्ट किया छोटे छोटे बच्चे थे मेरे
और मेरा जुनून था कि कुछ कर, ये है मेरे अंदर, पता नहीं, मुझे खुद भी पता नहीं था, अब मैं सोचती हूँ कि हाँ ये शायद अंदर है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, हालांकि घर में सपोर्ट था, हस्बैंड ने पूरा फुल सपोर्ट दिया 100%, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि आपके बच्चे हैं, इनको स्कूल जाना है, असर पड़ेगा। लेकिन मुझे माइंड में था कि मुझे बच्चों के लिए जाना है और मैं करूंगी। तो मैं वहाँ तकरीबन 3.5 मंथ्स रही और मैंने क्या देखा, ऑसम एनसीसी A to Z। सुबह उठते थे 5 बजे, ग्राउंड में आना, फिर ये फिजिकल वर्क होता था तकरीबन 11 बजे तक। अच्छा, 11 से फिर 2 बजे तक थेरी क्लासेस, और हमें उनसे आर्मी जो है ना, वहाँ एनसीसी ये आर्मी का ही विंग है, तो सीखना चाहिए एक टीचर को भी क्या होता है रियल डिसिप्लिन, क्या रियल टीचिंग सच में कैसे उभारते हैं सबको, मतलब तिमन चु मौक मिला कि तिम चु मजबूर गसा पन पान एक्सप्रेस करने खातिर। तो उसके बाद वहाँ इतने चैलेंजेस होते हैं ना, आख एक्टिविटी असस्तिस सुबह नियख खबर का वरान इलाकस में जंगल जांड जो भी है ना, यम तिकें जाड़ी वाड़ी सोरी तत पकने वात। तो हमें रखा वहां पे, आप बिलीव नहीं करोगे 24 घंटे में बस साफ था। अच्छा, ऐसे को टास्क आपको दिया गया आप लोगों को पूरा, वो हमने साफ किया, जो तिम श्राब्स वुड्स जो भी था तथा लूव दिया, ऐसे बनाए टेंट दिए गैर दिमों ने इस बाजे से इस गमला साफ तरह, मतलब ये इमेजिन नहीं कर सकते कोई, संतरी बने, फिर हम वो किया, ये किया, सारा जो भी होता है कैंप में वो सारा 24 घंटे में हो गया। तो सोचिए मे छु बेल तुलमुत, ये तुलमुत टोंगुर पदे साथ वीडियो ना, और ऐसे मतलब क्या बनेगा वो शख्सियत बनेगा है ना, सारा उसका नहीं आएगा गुरूर नीचे। इस वनान मतलब बच्चस दपान हतन लगे रात छपि ऐसे क्या इस बहुत थोक भी मैं उतर हम है ऐसे, लेकिन उसको एनकरेज करना चाहिए। अगर वो बच्चा आजकल चाहता है मैं कुछ बना, फॉर एग्जांपल तो किचन में जाऊं कुछ बना है, ना 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 इत कारक समय से खराब था, मैं पाचुम संभालू नहीं, होने दीजिए ना, जलने दीजिए ना रोटी, करने दीजिए उसको काम, तो ये बहुत अच्छी। तुम्हारी इजाजत से क्योंकि तहसीस तालीम इस कैंट जिक्र करान नए तकाल एजुकेशन तुम बदलान रोजान, तो ये प्रोग्राम जरिए तो कोशिश करान कि नई नई चीज आई नई तकाज आम हेचो अम हवाले सेगमेंट हर दो पेश करान सीन एक्सपर्ट पेश करान डॉक्टर तारिक मरगूब, तुम्हें इजाजत नमो इस एजुकेशन सेगमेंट तमें पत रोज कत बात बे जारी, नाजरीन वचान रोजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंडके। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अल्लाह ताला ने जो सबसे अच्छी चीज़ हमें दुनिया में दी है वो हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए हम कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हम कहते हैं कि अरे मैं बच्चों के लिए टाइम नहीं देते, बच्चों के लिए आप बच्चों के लिए क्या करें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कमाता इन्हीं के लिए हूँ, मैं जाता हूँ काम के लिए इन्हीं के लिए हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों को सिर्फ आपकी वो चीज़ें नहीं चाहिए, बच्चों को आपका टाइम भी चाहिए। अब बच्चे देखिएगा, बच्चे का इजहार करने का अलग तरीका है, पेरेंट्स को वो समझना चाहिए, पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स कैसे बने। रेस्पॉन्सिबल पेरेंट में थोड़ा सा टाइम भी आपके पास है बच्चों में वो दे दीजिएगा, और वो क्वालिटी टाइम दे दीजिएगा, भले आप 24 घंटे में आधा घंटा 20 मिनट वो क्वालिटी टाइम आप देख लीजिएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि एक बच्ची जब अपने पेरेंट को जिद करती है कि मुझे पार्क में ले जाओ पापा, आज संडे है, पापा ले जाते हैं, रिलेक्टेंटली चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है वहाँ चलो चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं बच्चे, फिर कहते हैं चलो एक्सरसाइज के बाद वो कहते हैं मैंने आपके लिए कुछ और भी लाया है, तो पापा ने दो सेब भी लाए हैं। आप देखिएगा वो सेब को कह रहा है बेटा देखो हम चलो आप फ्रूट खाते हैं फिर घर चलते हैं, तो वो दो से निकाल के बच्ची बड़ी एक्साइट हो जाती है, वो कहता है बेटा इनमें से बोलो कौन सा आप खाओगे, तो बच्ची देखिएगा वो दोनों पर हाथ मारती है और दोनों ले जाती है। पापा बड़े नाराज बड़े नाखुश, वो पहले एक को चक मारती है फिर दूसरे को चक मारती है और फिर पहले वाले को चक मारती है, तो पापा बड़े कैसी बच्ची है ये, इसको एहसास ही नहीं है अपने बाप का, मैं भी तो यहाँ हूँ, मैंने इसीलिए दो लाए थे। तो थोड़ी देर में पापा कहता है कि देखिए उसके हालत क्या है पापा की, वो दिमाग में उसके बच्चे के बारे में क्या क्या सोच रहा है। वो कहता है पापा आपको पता है ये मैंने जो खाया ना ये वाला मीठा है, मैं चेक कर रही थी इनमें ज़्यादा मीठा कौन है, वो मैं आपको दे दूँ, ये पापा ज़्यादा मीठा है ये आप खाएंगे क्योंकि आप मेरे लिए सबसे दुनिया में कीमती चीज़ है।
तो हमने क्या किया, प्रीजज कर लिया कि बेटी ऐसी है, तो ये प्रीजज छोड़िए करना, पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये होता है कि हम रेस्पॉन्ड करें ना कि रिएक्ट करें, रेस्पॉन्ड करें ना कि रिएक्ट करें। रिएक्ट करने का मतलब है इमीडिएटली आपने दिमाग में बना लिया ये बिगड़ी हुई बच्ची है, ये नहीं। कभी कभी ऐसे स्कूल में भी हो सकता है बच्चे ने स्कूल का काम नहीं किया, कारण क्या है, वो वाई पे जाइएगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस अपने में लाएंगे तो बच्चों में भी कल को आ जाएंगे, वो भी आपकी बात सुनेंगे। जब उनको वो वेंट दे देंगे, हम दबाते हैं क्यों ऐसा किया, स्प्रिंग बनाएंगे बच्चे को, तो जब हाथ हटेगा तो वो स्प्रिंग उछलेगा, तो वो प्रेस करने के बजाय वेंट दे दीजिए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद दिखाइए। ये पेरेंट्स को भी समझाया जा सकता है, बच्चा कभी कोई काम नहीं करता, क्यों नहीं करता ये काम, तो उसके लिए डांटिएगा मत, बेटा कोई कारण रहा होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ आप। जब आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आप देखेंगे एक तो माहौल अच्छा हो जाएगा, प्लस बच्चा अपना वो वेंट करेगा, वो करेगा कहाँ, अपने माँ बाप के साथ ही। यू आर अपने माँ बाप बनिएगा, बेस्ट फ्रेंड अपने बच्चे के बनिएगा। ये बात समझाया जा सकता है स्कूल में थ्रू वर्कशॉप्स, ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तभी मैं कहता हूँ ये मस्ट है, और टीचर पेरेंट मीटिंग मस्ट है। ये नहीं है कि मैंने स्कूल में फीस दे दी तो हो गया काम, स्कूल में जब भी टीचर पेरेंट मीटिंग हो इसमें आना लाजमी है पेरेंट्स को, अगर वो चाहते हैं कि हम बाकी चीजें भी समझ पाए। तो आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। बिल्कुल सिमिलर बात तारिक मरगूब साहब ने कही, जैसा हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे पेशेंस और कम्युनिकेशन गैप की, कैसे वो हम कम्युनिकेशन बैरियर जो है उसको हमें खत्म करने की कोशिश करनी है, और इसी बारे में हमारा प्रोग्राम भी आज तक ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से सेम ही बात हो रही है। बिल्कुल, और इसके लिए तारिक मरगूब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं हमारे आज के खास मेहमान की तरफ। हमारे साथ है आज हनीफा अख्तर जी, एसोसिएट प्रोफेसर है डिग्री कॉलेज विश्व भारतीय, और हमारी खुशकिस्मती आज मैम ने जो है इस पेरेंटिंग और अभी की यंग जनरेशन और टीचिंग एकेडमिक्स की बात की है, लेकिन मैम एक और स्फेयर है जिसमें आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, वो है करियर काउंसलिंग। आपसे जानना चाहेंगे क्या है करियर काउंसलिंग और कैसे आपने इसमें अपना रोल अदा किया। कोर्स कर जाए भर पोसे, यही करियर काउंसलिंग किया, असलन क्या करियर काउंसलिंग। जी जी, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं वो तो है बिटी वर्सेस टाइप ऑफ करियर काउंसलिंग करा बच्चन कॉलेजेस में, क्या अचीव करा, ये कहीं करे एक्स्ट्रा ये करे कोर्स वो ये सब, लेकिन फिर जब मैंने असली चीज बुनियादी ये वजह गो, मे वो खास ये अख बच्चन मज अख टाइप ऑफ शॉक नॉट उन्स, तिमन उस लगा अम सत शॉक थी कि तिमन उस प्रेशर एंट्रेंस एंट्रेंस एंट्रेंस, वही तो है, जाना तो है उसी गेट से, सबने जाना है, क्या करेंगे, वही एक ऑप्शन है, तो वहां से सबका उसी गेट से जाना जरूरी है, और वहां पे लिमिटेड वैकेंसीज है, तो सब तो ये तो जेन्युइन सी बात है, सब तो नहीं जा सकते, लेकिन जाना है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि उसको ऐसा करते, तो जब वो जाते थे आखो इस्तेम करान बवन ज पॉइंट आख नंबर आख ओस यूजन फर्स्ट ईयर ओस आसान कॉलेजेस मन, मोस्टली आसान मोस्ट कोर्सेस छ आसान 11 12 सिलेबसी फर्स्ट ईयरस मन मोस्टली तुम वो तिमन उस आसान बहान हम हमें है ना एंट्रेंस हमें हमें उस गसा अंदर बस तो यम के ये गैस है ना ये मन रिवीजन ये थी छुट्टी पर ये तिमन ताती क्लास का ज्यादा रहता है ना, लेकिन उनका माई वो बेचारे बच्चे थे उनको यही कहा गया था तिमन सो एक्सपीरियंस एज टू फारस तिमन गाइड करो एज पेरेंट एज टीचर, तो एक तो वो था। दूसरा जब वो अपियर बहुत ही ब्रिलियंट काबिल स्टूडेंट मेहनती बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुमको क्वालिफाई ना कर, ऐसा नहीं है, मेरे सामने इतने बड़े अच्छे अच्छे आप भी जानते होंगे हमारे घरों में है बहुत अच्छे बच्चे, सर इसने दसा विद रिजल्ट अड़ीवा सिर्फ लेबल है तौर, क्या लेबल है, एंट्रेंस फेल, फेलियर लेबल है, नॉट क्वालिफाइंग फेल में कन्वर्ट। ब्रिलियंट ये स्टूडेंट और उसको लगता है खाम खाम है टैग, बहुत एहसास, और बिलीव मी उसको सालों लगते हैं उसको इरेज करने में, जब तक कि वो कहीं और प्रूव ना करे एडजस्ट करे तब तक उसमें रहता है, सॉरी तो मैं ये कर नहीं पाया, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, यही रीजन था, अल्लाह ने भी मुझे ये अल्लाह की भी नियामत है कि
मुझे एक आजकल सोशल मीडिया है तो वहां से मुझे ऐसा ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने सोचा कि मैं करियर काउंसलिंग में जाऊं। मुझे तो शौक भी है, इंटरेक्शन भी है, तो मैं हूं अभी ग्लोबल करियर काउंसलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स से किया है माशाल्लाह। अब मैं बताऊंगी मेरे बचपन में तो करियर काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं था, और जब मेरे बच्चे थे तब ये था कि कई कोई होता था, कोई शॉप्स लाइक कोई ऑफिस वगैरह होते थे, वहाँ क्या करते थे, हाँ जी हमें बच्चे का एडमिशन करना, वो देते थे दो तीन पैकेजेस, दो चार कॉलेजेस, ज्यादा से ज्यादा मोस्टली तो दो ही देते थे या एक ही देते थे, तो ये जी है उनमें से कोई चॉइस करना था, पैसे साथ रखने, हो गया जी एडमिशन। काउंसलर आसान या सोच बेसिकली एडवर्टाइजर या एजेंट आसान कोई कॉल सोच, हाँ बिल्कुल राइट, सोच आसान पानून बिजनेस कर रहा ऑन सम यू नो पर्क्स कुछ भी, मगर करियर काउंसलर यूजन छो आसान, जैसे नाम ही है काउंसिल करना बच्चे को, ये क्या करता है करियर काउंसलर छो बेसिकली यहाँ एमिस बचस निश एमिस इंटरेक्शन ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन करके उसके अंदर से निकालता है इसकी एबिलिटीज एक्चुअली क्या है, असल एबिलिटीज क्या है, इसके अंदर सब खजाने आपने, मैं आपको बीच में सॉरी टू से आज से ना कथम का यह लगचार ऐसे बोझा ये स्टोरी के अलामिया को ये था कि तैमून सीक्रेट ऑफ सक्सेस मुझे कहीं रखना है छिपा के, क्योंकि यह गोस्त आम आसन यह गोस्त तमसी मिलन यु जन ये गोस सक्सेस रोज, तो उसने फरिश्तों को बुलाया तो कहा कि ये चीज मुझे कहीं छिपा दी है, बताओ कहाँ छिपाओ, तो उस फरिश्ते गए इधर उधर ढूंढने, तो आ गए कुछ देर के बाद, हाँ हमने ढूंढ लिया कहाँ रखे, सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पे रखेंगे, वहां तो कोई अलामिया बोलते हैं अरे इंसान को नहीं जानती वो क्या चीज है, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचेगा, वहां से निकाल लाएगा, तो चले गए फिर मायूस से फरिश्ते फिर ढूंढ रहे हैं, फिर पता चला आ गए कुछ देर बाद, हाँ बहुत खुश थे हमने देख लिया वहां छिपाए, कहाँ छिपाएंगे, समंदर के नीचे छिपाएंगे कोई नहीं पहुंचेगा, अरे नहीं जानते हो मेरे इंसान को, वो इतना काबिल, इसमें वो बात है कि काबिल है वो बाइख्तियार है, उसमें सारा है दम है कि वो कुछ भी कर, तो बोला वो इतना है कि वो समंदर के नीचे से भी निकाल के लाएगा, अच्छा तो मायूस से चले गए, फिर गए फिर आए कि हाँ हम तो जमीन के नीचे उसको गाड़ देंगे, अंदर जमीन के सीने में नहीं, वो जमीन को भी काट डालेगा, तो अब फिर अलामी ने कहा अरे इंसान इंसान के ही अंदर में डालता हूँ, इंसान पता इधर उधर खोजेगा, इसको तड़प होगी, वहां देखो यहाँ देखो, अपने अंदर झांकने में इसको टाइम मन नहीं में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, ओ वाह क्या बात है, तो यही है उस बच्चे ये करियर काउंसलर देता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर की काबिलियत क्या है, हर एक यूनिक है, हमारा ये है कि हम रेसिंग में लगे, उसने किया तो मुझे भी करना है, ऐसा नहीं होता है, तो वो फिर देखता है एक स्केल है जिसको स्वॉट बोलते हैं, आपने सुना होगा, जैसे स्ट्रेंथ क्या है बच्चे में, कौन सी स्ट्रेंथ है बच्चे में, क्या वीकनेसेस है, हो हर एक में वीकनेसेस होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है इसके आसपास, लाइक इसके एजुकेशन के हिसाब से, पेरेंटल लाइनेज के हिसाब से भी कुछ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है किसी बच्चे को, तो क्या क्या हो सके, या कुछ थ्रेट्स कौन सी चीज है जहां से इसको एहतियात करना है, सही बात है, तो वो ये सब देख के फिर पेरेंट्स से अलग काउंसलिंग करता है, आप वो क्या चाह पेरेंट्स आप जरूरी पार्टी यम क्या यहाँ क्या कित कन यहाँ यमन क्या ख्वाब यमन क्या फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब देख के फिर करियर काउंसलर जो है वो उसको ऑप्शंस देता है, तीन तरीके से वो हेल्प करता है, एक तो एजुकेशन, क्या काबिलियत क्या है, इसका रिकॉर्ड आज तक क्या रहा है एकेडमिक्स में, का सब्जेक्ट मनसूस इंटरेस्ट, मगर दिमागी सलाहियत कास्ट कुंचस तो उसी को देख के उसका कुछ सब्जेक्ट में भी उसको हेल्प करता है, थोपता नहीं है, थोप नहीं सकते, तो वहां उसको हेल्प करता है ये सब्जेक्ट ले लो, प्लस उसके इंटरेस्ट क्या है, बाकी चीजें क्या है, वोकेशनल जो है लाइक इंटर्नशिप है, बाकी चीजें कई सर्टिफिकेशन कोर्सेज है,
वो या कुछ स्पोर्ट्स है, ठीक है, बहुत सारे अदब के साथ है, सही, कल्चर तो मेन है, कल्चर तो ये तो फुल फ्लेज्ड एक ये जो है आक बोर्ड बार समंदर आक आत्मश जॉब। अब आप तो ट्रेंडी है, ट्रेंड है ये, है ना, कहीं उतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा जितना कल्चर और उसमें मिलेगा। तो ये सब देख के और साइकोसोशल उसमें साइकोमेट्रिक भी आता है, साइकोसोशल एबिलिटीज उसमें अंदर, क्योंकि पढ़ लिख के उसको लाइफ में जाना है, उसको लाइफ बितानी है, उसने डिफरेंट लोगों के साथ उठना है, उसने काम टाइम मैनेजमेंट हैंडल करना है, उसने अपने इमोशंस हैंडल करने, तो ये होता है ओवरऑल करियर काउंसलिंग। हमारे पास आखिरी मिनट है, कुछ सेकंड है, मिनट भी नहीं, 45 सेकंड, तो आपसे हम कोई मैसेज सुनना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो पहले पता ही नहीं चला कहाँ से मेरा मैसेज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर एक के लिए यही है, स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। ओके, इसका रोन तकाबुल पाओ, यू आर ऑसम, ऑसम, you are unique, accept yourself Sir. as you are. Thank you so much. ye sab ke liye message hai, bahut bahut shukriya. to apne aap se compete kare, dusre ke sath compare karna chhod de. sata shukr guzarish tum sata khoobsurat aur dilchasp aaj kaat baat gayi, main yakeenan aur dil se kehta hu hame bahut maza aaya hai, taachi wo ummeed ki nazreen ne taisi maza mud, magar kathan maz roz is tumhi ki hawai ye jahat win iman pet kaat roz karne de be kun do dimo is daawat te to inshaallah tam do karo be is kaat baat is kis tahi sata shukr guzar ta is ijazat na chhi wo ummeed ki taisi program pasand aamat is kis diye is ijazat allah hafizun asr.